मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत महंत दर्शन इंटर स्तरीय महाविद्यालय कांटा के परिसर में हम खड़े हैं। जैसा कि मेरे पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि तमाम चारों तरफ जो है सो चार दीवारी बनाया गया है, लेकिन यह सामने की तस्वीर जो आपको कांटा से हनुमान नगर फोर लेन सड़क के लिए जो संपर्क सड़क है उसके किनारे यह जो बनाया गया है, इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि केला एवं अन्य तरह के गाछ हैं और बगान हैं, और इस तरफ जो है जो चार दीवारी के बदले बांस का फट्ठा बना करके जो है जो चार दीवारी के विकल्प के तौर पर काम किया जा रहा है। और उसके आगे की जो तस्वीर है हम आपको बताएंगे कि उधर जो है सो भवन बनाए हुए हैं और मतलब लोगों की एंट्री उधर से हो सकती है। यह केला के बागान के बाद की बात है, उधर जो है सो लोगों की एंट्री हो सकती है और इस तरीके से यह परिसर जो है सो असुरक्षित नजर आता है। सबसे दिलचस्प बात यह दिखाएंगे कि यह जो बांस के फट्ठा से जो चहारदीवारी के विकल्प तैयार किया गया है, इसके ठीक बगल में चहारदीवारी के बगल में वह तस्वीर आप देखिए कि खजूर का पेड़ है और खजूर के पेड़ के ऊपर जो है सो तारी निकालने के लिए जो है सो मिट्टी का जो पात्र लगाया गया है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि महाविद्यालय के अंदर क्या तारी बनाने की पढ़ाई भी शुरू हो गई? अगर महाविद्यालय परिसर के अंदर इस तरह का बिहेव होगा, इस तरह का गतिविधि होगा, तो बच्चे को क्या मैसेज जाएगा और बच्चे के माध्यम से समाज में क्या मैसेज जाएगा? ऐसे में एक तरफ जहां सरकार के आदेश के अंतर्गत पुलिस जो है सो जगह जगह तारीखानों पर कार्रवाई कर रही है, तारीखाने पर जो है सो बर्तन तोड़े जा रहे हैं, तारियों को बहाया जा रहा है, तारियों को नष्ट किया जा रहा है, वहां तो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या महाविद्यालय परिसर के अंदर में जो है सो सीधा जो है सो पेड़ पर खजूर के पेड़ पर तारी निकालने का जो यह पात्र लगाया गया है और वो भी महाविद्यालय परिसर में, जिस हम कांटा में महाविद्यालय इंटर स्तरीय महाविद्यालय परिसर की बात कर रहे हैं, यह कई कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है कांटा का यह महाविद्यालय परिसर, जहां पर तमाम तरह के नेताओं का हेलीकॉप्टर से भी दौरा होता है, यहां पर एंट्री होता है, जनसभा होती है और एक मॉडल के तौर पर इस महाविद्यालय में गतिविधियाँ होती है और समाज इससे प्रेरित होते हैं, यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे आते जाते हैं। क्या उन बच्चों को क्या मैसेज देने की यह प्रक्रिया शुरू की गई है? क्या यह लापरवाही नहीं तो और क्या दर्शाता है? ऐसे में सवाल यह उठता है कि महाविद्यालय प्रशासन आखिर दिखाना क्या चाहता है, आखिर क्या रोल प्ले करना चाहता है? चहारदीवारी की सुरक्षा पर सवाल, दूसरी तरफ महाविद्यालय के अंदर तारीखाना या तारी बनाने की ट्रेनिंग की शुरुआत तो नहीं की गई है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। और ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी ऐसे ऐसे मामलों पर गंभीरता से पहल करने की ज़रूरत महसूस होती है कि क्यों नहीं ऐसे पेड़ में जो जहां पर जो है सो तारी बनाने के पात्र लगे होते हैं, तारी निकालने के पात्र लगे होते हैं, उस पात्रों को क्यों नहीं तोड़ा जाता है? तारी खाने जहां पर बने होते हैं वहां पर जाकर के पात्रों को तोड़ा जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। दोनों जगह की कार्रवाई ज़रूरी महसूस होती है और महाविद्यालय प्रशासन को भी जो है महाविद्यालय परिसर में इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है उस पर भी गंभीरता से पहल करने की ज़रूरत है, वरना यह चूक नहीं लापरवाही नहीं शायद ऐसे में प्रोत्साहन करने की कार्रवाई भी समझी जा सकती है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z News Live, मुजफ्फरपुर बिहार।